भगवान जो नटखट लीलाएं करते थे, माखन चुराते थे, उन्हीं के बाद मैया यशोदा भगवान श्री कृष्ण को डांट लगा रही है। उनका आप देख रहे होंगे बाकायदा कान बोले बाबा विराजमान है, उनके सामने उनके जो नंदी जी की प्रतिमा जो थे, गोवर पर्वत जो उठाया था, गोवर्धन पर्वत आप पीछे देख रहे होंगे, ये अपनी उंगली पे भगवान श्री कृष्ण गोवर्धन पर्वत को उठाए हुए, और उनके मैं जो रमन रेती हूँ होती है उसी को भी यहाँ पर दर्शाया गया, जैसा कि मैं आपको दिखा पा रहा हूँ, ये रमन रेती। नमस्कार, आप देख रहे हैं M9 इंडियन न्यूज, मैं हूँ आपके साथ मोहन कुशवाहा। जैसा कि आपको पता है हर रोज कुछ नया कुछ यूनिक दिखाने के लिए हम आपको लेकर आते हैं, उसी को उपलक्ष्य में आज हम मौजूद हैं मध्य प्रदेश के गुना जिले के पास के ग्राम खेजरा में, वृंदावन धाम खेजरा में एक यहाँ पर धाम बना हुआ है जिसे वृंदावन धाम खेजरा के नाम से जाना जाता है। जैसा कि आपने देखा होगा वृंदावन में जो भगवान श्री कृष्ण की जो लीला है उन्हीं लीलाओं को यहाँ पर दर्शाया गया है। जो वृंदावन धाम में जैसे ही आप जाते हैं तो वहाँ की जो भगवान की तरह तरह की जो लीलाएं होती हैं उन्हीं लीलाओं को ये वृंदावन धाम खेजरा में बखूबी से उसी तरह की से दर्शाया गया है, तो उन्हीं लीलाओं को हम विस्तार से आपको दिखाएंगे। इसकी प्रेरणा जैसे कि मान के चल कैसे क्या प्रेरणा जी हमारे संत है महाराज जी मंदर पर्वतिया जी श्री श्री कृष्णदास जी महाराज त्यागी जी महाराज 111 वर्ष की उम्र हमारे, उनके ये बहुत दिन से पहले विचार थे कि खेजरा गांव में ये आश्रम पे जो होने चाहिए वो होने चाहिए, उनके विचार भगवान ने उनकी उन्हें शक्ति दी प्रेरणा दी, उनके विचार की मनोकामना पूरी हुई। बड़े गांव के सहयोग से भी और ये कुमार लाल ढाकड़ जी हैं उनके दिमाग में बसी ये बात खेजरा में जो करवाया जाए, तो उन्होंने बढ़िया जो पूरा जो करवाया जो बढ़िया सीन बनवाया वृंदावन धाम के पूरे गौ गोटान है इधर कृष्ण भगवान जी की गेंद खेल रहे हैं। इन्होंने बताया है कि संत है, उन्होंने पूछा तो उन्होंने बताया कि यहाँ पर पहले कुछ नहीं था, खाली कुछ पेड़ के वृक्ष थे, तो उनके मन में आया कि यहाँ पर एक मंदिर बनवाया जाए, कुछ डराना माहौल भी रहता था पहले डकैती वगैरह को, जैसे कि उन्होंने बताया कि अगर मंदिर बन जाएगा तो उस तरह की का जो भय रहता है वो भय मिट जाएगा। उनके बाद उनके मन में उन्होंने बताया कि प्रेरणा आई मेरे मन में कि वृंदावन धाम यहाँ पर बनना चाहिए, तो उसी के उपलक्ष्य में ये वृंदावन धाम बना है, और कुछ ही महीने पहले ये वृंदावन धाम का यहाँ पर ये शुभारंभ हुआ है। आप पीछे महीने पहले देख रहे होंगे ये कालिया कुंड भगवान नाग को ये डांस कर रहे हैं, आप पीछे देख रहे होंगे नृत्य कर रहे हैं, बखूबी आप देख रहे होंगे सेम टू सेम इसमें दर्शाने की कोशिश की गई, और सेम टू सेम इसमें कितनी सुंदरता के साथ इसको दर्शाया गया है, बखूबी इसमें गुब्बारे वगैरह भी लगाए गए जो कि बाहर बाहर से लोग आते हैं तो देखने में इनको सुंदर लगे, कहीं ना कहीं ये लोग वृंदावन धाम में वो लोग जा नहीं पाते तो वो यहाँ आकर भी वृंदावन धाम कुछ लोग जा नहीं पाते कुछ अनुभूति कर सकते हैं, जहाँ दर्शन कर रहे हैं परिक्रमा पाते तो यहाँ दर्शन कर सकते हैं, परिक्रमा चालू बखूबी यहाँ पर परिक्रमा भी लोग लगाते हैं, और आप देख रहे होंगे कितनी सुंदर कलाकृति से इसको बनाया, इसमें नीचे भी आप देख रहे होंगे कालियाधार नाग श्री कृष्ण बखूबी इसमें दिखाया, और आगे चलेंगे हम और आपको बारीकी से इसके बारे में दिखाएंगे। जो गऊ भगवान श्री कृष्ण वृंदावन की जो वन होते थे उनमें चराने जाते थे उन्हीं को इन मूर्तियों में दर्शाने की कोशिश की गई है, आप देख रहे होंगे इस साइड ये उनके सखा है भगवान श्री कृष्ण के सखा थे बाल गोपाल, वो अपनी गऊ आप देख रहे होंगे, ये यहाँ पर ये प्रतिमा भगवान ये यशोदा मैया और कृष्ण भगवान की ये प्रतिमा जो बनाई गई है, भगवान जो नटखट लीलाएं करते थे माखन चुराते थे उन्हीं के बाद मैया यशोदा भगवान श्री कृष्ण को डांट लगा रही है, उनका आप देख रहे होंगे बाकायदा कान खींचे हुए, मैया कहती है कि अपने घर पे इतना माखन होता है फिर भी तुम दूसरों के घर पे माखन चुराने क्यों जाती, उसी के बाद वो डांट लगा रही है। आप देखेंगे इस साइड ये भगवान श्री कृष्ण जो है तो आप देख रहे होंगे भगवान श्री कृष्ण और जो राधा और वो अन्य गोपियां वो यहाँ पर रास रचा रही, और इसके पीछे साइड भी आप देखेंगे यहाँ पर एक खासियत आपको देखने को मिलेगी कि हर गोपी के साथ जो भगवान कृष्ण है वो आपको मिलेंगे, राधा हो राधा के अलावा जो गोपियां हैं हर गोपी के साथ है, उसी के उपलक्ष्य में यहाँ पर जो भोले बाबा है भोले बाबा विराजमान है, उनके सामने उनके जो नंदी जी की प्रतिमा है उनके पास ये राधा श्री कृष्ण की मूर्ति आप कदम के पेड़ पर बड़ी बैठी झूला झूल रही और को भी दृश्य दर्शाया गया है, कितना सुंदर लग रहा है आप जैसे कि मैं आपको दिखा पा रहा हूँ, और देखेंगे भगवान भोले की ये प्रतिमा है पास में उनका त्रिशूल लगाया गया है, इससे इसको इन्होंने पहाड़ी का आकार देने की कोशिश की गई और वो पहाड़ी ऐसा लग भी रहा है आप जैसे कि देख रहे होंगे। श्री
श्री कृष्ण जो थे गोवर पर्वत रूढ़ाया था, गोवर्धन पर्वत आप पीछे देख रहे होंगे, ये अपनी उंगली पे भगवान श्री कृष्ण गोवर्धन पर्वत को उठाए हुए, और उनके जो गांव वाले थे वो पर्वत के नीचे छुप रहे हैं बरसात से। जब आपने इंद्र भगवान जो थे क्रोधित हो गए थे, जो इंद्र भगवान की पूजा करने से उन्होंने मना किया था, तो उसी के बाद उन्होंने ये गोवर्धन पर्वत उठाकर जो गांव वाले थे उनको बारिश से बचा था। जैसे कि आप देख पा रहे हैं इसमें कितना सुंदर दृश्य दर्शाया गया है, जैसे आप देख रहे होंगे इसमें भगवान श्री कृष्ण अपनी ये उंगली लगाकर चिंगरी पे ये उनको ताने हुए हैं। जो गांव वाले थे उनकी शाखा थे वो कुछ डंडा का सहारा लेकर उसको उनकी मदद करने की कोशिश कर रहे थे। वृंदावन धाम में जो रमन रेती होती है उसी को भी यहाँ पर दर्शाया गया। जैसे कि मैं आपको दिखा पा रहा हूँ ये रमन रेती, इसमें ये यहाँ के जो सेवादार हैं, सेवा करते हैं वो जो महाराज जी भी हैं वो भी यहाँ पर बैठे हैं। आप जैसे कि इनको देख पा रहे हैं, ये रमन रेती में जो भी वृंदावन धाम जाते हैं तो इससे रज में लोट लगाते हैं, कहते हैं इस लोट लगाने से सुख की अनुभूति होती। आप देख रहे होंगे बढ़िया ये रमन रेती भी यहाँ पर बनाई गई है, जो वृंदावन धाम में वो लोग नहीं जा पाते वो यहाँ आकर इसका ले सकते हैं। तो अब हम आ चुके हैं जो वृंदावन धाम खेजरा का मुख्य मंदिर है। आप देख रहे होंगे एक साइड ये हनुमान जी महाराज विराजमान, पास में राधा कृष्ण जी भगवान जी विराजमान, तो अपन चल रहे हैं इनके विस्तार से आपको दर्शन कराएंगे। देख रहे होंगे ये हनुमान जी महाराज जो है ना वो विराजमान है। अब जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये यहाँ का बहुत पुराना मंदिर है, पहले हनुमान जी महाराज और राधे कृष्ण भगवान का ये मंदिर था, इसके बाद में ये धाम का मतलब स्थापना हुई है। आप पीछे इस साइड देखेंगे तो ये भगवान राधा कृष्ण विराजमान। उसी तरह की पूर्णिमा पर जो वहाँ पर वृंदावन धाम में भीड़ पड़ती है उसी तरह की भक्त यहाँ पर भी भगवान के दर्शन करने आते हैं और यहाँ जो धाम है उसकी परिक्रमा लगाते हैं। तो आप देख रहे होंगे ये नन्नी महाराज और ये महाराज जी यहाँ पर, इनकी भी प्रतिमा यहाँ पर मूर्ति जो है दर्शाई गई है। पास में देखेंगे तो ये महाराज जी यहाँ पर, ये महाराज जी सबसे पहले यहाँ पर आए हुए थे शायद 1979 का, जैसा कि मुझे जानकारी में है। तो महाराज जी से अपन बात करेंगे थोड़ा। राधे राधे महाराज जी, कब से आप यहाँ पर हो? राम जी हमारे गांव आए हैं 79 में। अच्छा, पहले क्या था यहाँ पे? कुछ भी नहीं था। तो जैसे कि मान के चले किस तरीके से आपने मतलब किस तरीके की प्रेरणा आई और किस तरीके से मतलब यहाँ पर स्थापना हुई? यहाँ पे रसाले से निकलते गेहूँ खेड़ा काम है वहाँ जाकर जल में लगते। हमने प्रेरणा आई, हम यात्रा में हम भ्रमण में थे जहाँ हम रात्रि रहे तो हमें जहाँ सवेरे लूट मार भई रास्ता गिरल की पानी भी नहीं। हमने विचार किया कि भाई जो जगह पे अपन सुनी भूमि है यहाँ कोई भी सहारा नहीं है रास्ता गिरने जल को ना किसी तेदर को वृक्ष को, जहाँ अपन बैठ जाओ तो यहाँ राम जी की लीला हो जाएगी, धर्म की चौकी बन जाएगी, रास्ता गिरन की रोकथाम हो जाएगी, जल मिलने लग जाएगा, तालाब हो जाएगा, पशु पक्षी ने भी जल हो जाएगा, वृक्ष हो जाएंगे, छाया हो जाएगी, देवधाम बन जाएगी। इस रीति से इस भाव उद्देश्य से ये देवधाम प्रकट होगी। अच्छा, पहले क्या मंदिर का स्थापना हुई थी? जैसे ये पहले मंदिर ही बना हुआ था, कुछ नहीं तो पहले तो नहीं, तो आप आने के बाद में आप हाँ, पहले मंदिर की स्थापना। अब जैसे कि मान के चले ये अपना ये वृंदावन धाम यहाँ पर लेकर आए, क्या उद्देश्य है इसका यहाँ पर लाने? उद्देश्य यही है कि यहाँ गऊए बहुत है और यहाँ गौन की चरण भूमि है और गौएं मारी मारी पड़ रही थी, तो हमने सरकार से भी कहा कि भाई ये गौन के लिए हमरी गौन की जगह चाहिए, इनको भाग कहाँ है, तो हमने सरकार से भी लड़के ये गौशाला बनवाई जगह जगह ये पंचायत के माध्यम से। तो इसी रीति से हम यहाँ जो गौ के उपदेश से और जो आम जनता के उपदेश से परमार्थ के ही लाने हम यहाँ आए और वो ही हमने यहाँ किया।
अच्छा जैसे कि मान के चले मिनिमम रोज कितनी संख्या में यहाँ पर भक्त आते होंगे, और कुछ ऐसा कोई सा दिन है कि यहाँ पे रोज रास्ता में 1000 नगरी के प्रति निकलते हैं, 1000 नगरी के दर्शन करने आते हैं, दर्शन करके भी आते हैं, और फिर ये गुना है ना ये रास्ता है यहाँ, ये रास्ता गिरन के लाने जिस धाम बनी है उनकी लूट मार होती है। अच्छा ऐसे कि कोई सा दिन किस दिन भक्त ज्यादा आते हैं दर्शन करने मंदिर? दर्शन करने को जैसे अब ये पूनो आ गई, पूनो पर भारी भीड़ रहेगी, जैसे 11 आती है, अमास आती है, और फिर दुनिया भर के तो रोज आ ही रहे हैं, जिन्हें पतो पड़ रहा है कि भाई मधाम बन गए, ये तो जब पतो पड़ रहा जब ही आ रहे हैं, कोई कहाँ से आ रहा है, कोई कहाँ से आ रहा है, कोई कहाँ से आ रहा है, इस रीति से जाको विकास बढ़ तो जा रहा है, भक्तन को भाव जुड़ तो जा रहा है, ये धर्म को रो पाए ना कोई भी करे, चुन्न पुण्य भी तो धर्म करने के पुण्य के लिए आगे के लिए भविष्य के लिए जगह कर सकते, कोई कुछ भी कर सकते, मतलब 100 से ऊपर है। हाँ हम 111 में चल रहे हैं, 111। ये थे महाराज जी जिनकी कम मिनिमम 111 वर्ष इनकी आयु, उनसे विस्तार से हमने जानकारी ली। ब्रह्मचारी